हेलो एवरीवन, वेलकम टू शकीरा पैराडाइस। आज हम बनाने वाले हैं एक नया सा डिश जिसका नाम है कोरियन वेजिटेबल पैनकेक। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और फुल ऑफ न्यूट्रिशंस है। ये बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें पूरा वेजिटेबल्स भरा हुआ है। तो आज ही आप अपने घर पे ये वाला पैनकेक बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगा है। वेजिटेबल्स पैनकेक बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि आपको सिर्फ वेजिटेबल्स कट करना है और ज़्यादा सामान भी इसमें नहीं डलना है, मसालेदार भी नहीं होगा और हेल्थ वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको लगता है घर में आपका कुछ एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स है उससे भी आप बना सकते हैं, या फिर आपका मन चाहे जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है उसी वेजिटेबल से आप बना सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। तो ये सारे वेजिटेबल्स है जो हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते, ये हमें हरा पत्ता गोभी चाहिए 1 कप, और ये गाजर 1 कप चाहिए होगा। ऐसे लंबे लंबे करके आप काट लीजिएगा। और इसके अलावा 1 प्याज चाहिए, और ये पर्पल कलर पत्ता गोभी 1 कप, और इसके अलावा हमें मैदा चाहिए 1.5 कप, और नमक स्वाद अनुसार, और इसके अलावा हमें चाहिए कुछ चेरी टमाटोस, और ये मिर्ची है, 4 से 5 मिर्ची लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा सा बाउल ले लीजिए और इसमें आप सारे वेजिटेबल्स डाल दीजिए। तो दोनों तरीके के पत्ते को भी हम डाल देंगे इसमें, पिंक वाले डाल दिया, हरे वाले डाल दिया, अभी गाजर भी डाल देंगे इसमें। इसके अलावा हम प्याज भी डाल देंगे इसमें। और अभी हम ये चेरी टमाटोस जो है, 3 चेरी टमाटोस है इसमें, और इसके अलावा ये जो मिर्ची है हम इसमें डाल देंगे। और अभी ये जो मैदा है हम इसमें 1.5 कप मैदा डालेंगे, 1.5 कप मैदा, और अभी नमक स्वाद अनुसार, और इसके अलावा हम कुछ और मसाले नहीं डालेंगे। हम इसे सिंपल में टेस्टी बनाएंगे। और पानी हमें 1 ग्लास डालना है, लेकिन हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितना ज़रूरत होगा उतना ही डालेंगे, क्योंकि हमें ऐसा करना है, पेस्ट बनाना है कि मैदा ज़्यादा भी ना हो, मैदा और सब्ज़ी का क्वांटिटी इक्वल हो। ये देखिए, ये पूरा अच्छे से एक पेस्ट बनने के लिए तैयार हो। जैसे आप देख सकते सारे सब्जियों में मैदा लगा है। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसे डायरेक्टली फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और इसमें करीब 3 से 4 चम्मच तेल, रिफाइंड ऑयल लिया है, और तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम ये सब्ज़ी इसमें डाल देंगे। और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है, सिर्फ सब्ज़ी है और इसमें मैदा और नमक है। और आप इसमें तेल में ये सब्ज़ी का जो पेस्ट है ये डाल दीजिएगा। और क्योंकि इसमें सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा है तो इसमें कुछ शेप नहीं होगा, तो हमें खुद से इसका शेप क्रिएट करना होगा। तो 1 चम्मच ले लीजिए आप इसके लिए, और 1 चम्मच से आप इस सबको अच्छे से प्रेस कर दीजिए, और साइड में राउंड बनाने के लिए आप अंदर की तरफ इसे प्रेस करते रहिएगा कुछ इस तरह से, और एक इवन लेयर पहले बनाइए, उसके बाद ही आप इसे अंदर की तरफ खींचते रहिए ताकि ये पूरा राउंड शेप में हो जाए। कुछ इस तरह से आप इसे अच्छे से राउंड शेप कर दीजिए, और इसके बाद आप इसे लो फ्लेम पे पकने दीजिए। और एक सब्ज़ी है हम इसमें डालेंगे, ये है केल। इसकी जगह पे स्प्रिंग ऑनियंस भी डाल सकते हैं, मेरे घर में ये अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया है, आपके पास नहीं है तो आप ये अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे लगभग 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। अभी हमारा लगभग 8 से 10 मिनट हो चुका है, तो अभी हम इसे टर्न करेंगे। ये हमारा पक चुका है एक साइड। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल स्टेप था क्योंकि इस टाइप पे आपका ये स्पिल भी हो जा सकता है।
इसके ऐसा करने से बेहतर आप एक बर्तन से भी इसे टर्न कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इससे पहले हम इसके लिए एक सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस के लिए हमें चाहिए सोया सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस, और इसके बाद हमें चाहिए विनेगर, 2 चम्मच विनेगर, और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मिर्ची, मिर्ची पाउडर है ये, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद ये क्योंकि ये कोरियन डिश है तो इस कोरियन तरीके से हम इसमें सिसमे सीड डाल देंगे, इसमें तिल का बीज, वाइट तिल है ये, हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। तो हमारा सॉस रेडी है। तो अभी हम देखते हैं हमारा दूसरा साइड हमने 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए दिया है वो हो गया है कि नहीं, चलिए अब देखते हैं। तो यह हमारा लगभग हो चुका है 8 मिनट, तो आप देख सकते हैं ये कैसे पक रहा है। तो ये टर्न करने का और एक तरीका है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप एक प्लेट को ऊपर से कवर कर लीजिए और पूरा पैन को ऐसा पकड़ के उल्टा कर दीजिए, फिर ये आपका पैनकेक निकल आएगा। क्योंकि आपका ये पैनकेक बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, ये टूट भी जा सकता है, तो इसीलिए हम ऐसे करेंगे। तो अभी हमारा पैनकेक बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा हरा भरा हमारा पैनकेक बना है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, एकदम पिज्ज़ा जैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वर्जन है। तो अभी हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। इसे कट करने में भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, आप देख सकते हैं फुल ऑफ वेजिटेबल्स है। तो अब हम इसे जो सॉस हमने बनाया है इसे हम इसे टेस्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रंची बना है, अंदर से सॉफ्ट और जो वेजिटेबल है सब बहुत ही ज़्यादा क्रंच है। इसे आप ब्रेकफास्ट जैसा भी खा सकते हैं या फिर कोई मील का जैसे भी आप खा सकते हैं। और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर आप पहले से वेजिटेबल कट कर लेंगे तो आसान से आप ये बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए अगले बार हम फिर से मिलेंगे।